हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सभी को जय माता दी। माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें। और ये व्लॉग है पहले नवरात्रे का, और यहाँ पे टाइम है इस टाइम लगभग 12:45 का टाइम होगा। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ तैयार होने में, क्योंकि पूजा हमारी काफ़ी लेट हो गई थी, जैसा कि आपको पहले व्लॉग में पता ही चल गया था जो मैंने क्लीनिंग वाला व्लॉग डाला था। और तो उसी के वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं हम। और यहाँ पे नहाना धोना साफ़ सफाई जो भी घर की क्लीनिंग वगैरह है सब हो चुकी है। मंदिर की सफाई भी हमने नवरात्रि के पहले दिन ही करी थी, तो वो साफ़ सफाई वगैरह सब निमट चुकी है। और यहाँ कर रहे हैं हम पूजा। तो व्रत तो वैसे निक्की का भी था, लेकिन निक्की सो रहा था क्योंकि वो नाइट में उसका थोड़ा सा काम रहता है, तो इस वजह से वो सुबह में लेट तक सोता है। तो इसीलिए पहले तो हमने निक्की को जगाया भी था, लेकिन निक्की जगा नहीं, तो इसीलिए हमने फिर हम दोनों ने पूजा कर ली। और निक्की ने बाद में उठ के नहा धो के तब पूजा की थी। तो मेरा, निक्की का और इनका, हम तीनों का व्रत है और बंकू का व्रत नहीं है। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूरा करें। और ये देखिए मंदिर के दर्शन करा देती हूँ सबसे पहले। और टाइम हो चुका है, इस टाइम बज चुके हैं 3:15 बज चुके हैं। और पूजा वूजा करने के बाद एक बार थोड़ी चाय वगैरह पी ली थी हमने, और चाय वाय पी के फिर थोड़ी सी देर के लिए लेट गए थे, क्योंकि आज काम काफ़ी सारा हो गया था सुबह से। साफ़ सफाई वगैरह सब आज ही करनी पड़ी हमें। और अब मैं बनाऊंगी व्रत का कुछ खाने के लिए, तो पकौड़ी बनानी है मुझे, तो उसके लिए मैंने आलू वगैरह सब काट के रखे हुए हैं। और ये आलू देखिए, ये थोड़े से कुछ काले से भी पड़ गए हैं, क्योंकि काफ़ी देर के कटे हुए रखे हैं। तो क्योंकि पकौड़ी बना लूँगी, क्योंकि मेरा, निक्की का और इनका, हम तीनों का व्रत है। और बंकू गया है ट्यूशन, तो बंकू ने मैगी खा ली थी और रोटी रोटी का थोड़ी सी दाल और चावल रखे हुए थे, वो भी खा लिए थे। और अब बंकू आएगा, जब भी खाना खाएगा तब तक मैं अपना व्रत का खाना तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक डोंगा, और उसमें जो कटे हुए आलू हैं वो डाल लूँगी मैं। और इसमें फिर डाल दूँगी मैं कुट्टू का आटा और व्रत का नमक। और मिक्सी में मैंने पीस ली थी हरी मिर्चें, क्योंकि पकौड़ी जो बनाते हैं वो चटपटी सी अच्छी लगती हैं, तो मिक्सी में हरी मिर्चें पीस ली थी मैंने। और काली मिर्चें मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि काली मिर्चें ज़्यादा जलन कर जाती हैं, तो इस वजह से हरी मिर्च ही यूज करती हूँ मैं व्रत के खाने में। तो इन सब चीज़ों को एक जगह मिक्स कर लूँगी। और उधर गैस पे हो गई है मेरी कढ़ाई, तो ये देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है और पकौड़ियाँ मैं इसमें अब डाल दूँगी। तो यहाँ पे पकौड़ी बनाने के लिए जो मैंने रिफाइंड यूज किया है वो है सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि जो सोयाबीन का जो वो आता है, रिफाइंड आता है,
तो वो अन्न में लगता है, क्योंकि सोयाबीन जो है वो दाल होती है और दाल अन्न में लगती है। तो इसलिए मतलब व्रत में सोयाबीन का रिफाइंड जो है वो हमें नहीं खाना चाहिए। और एक टाइम था कि मुझे भी पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो फिर कहीं से मुझे पता चला, तो फिर जब से मैं हमेशा व्रत में सनफ्लावर ऑयल ही यूज करती हूँ। और आप चाहें तो देसी घी या फिर मूंगफली का तेल, ये चीज़ें भी यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो ये छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पता होती हैं ये चीज़ें हमें। तो जी इस टाइम बज चुके हैं 7:15, हमें पता नहीं है कुछ, पता नहीं है, नहीं खाने की तैयारी हो गई है लगभग। आटा गूंद रही हूँ मैं, ये देखिए कुकर का आटा लगा रही हूँ। और सब्जी वगैरह के लिए सब आलू वालू सब उबले रखे हैं, लेकिन घी खत्म हो गया है तो घी लेने के लिए गए हैं, इसी वजह से सब्जी छुपने में देर है। तो मैंने जब तक पूरियों का आटा लगा दिया है और कढ़ाई रख दी है गैस पे, तो तब तक मैं पूरियाँ उतार दूँगी, क्योंकि सब्जी आलू टमाटर की बनानी है व्रत वाली, और आलू का हलवा बनाना है। तो ये सब तो थोड़ी थोड़ी देर में ही बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता जब तक मैं पूरियाँ उतार दूँगी। पूरी सेकने में टाइम लगता है, क्योंकि मंदी गैस पर पूरी बनानी पड़ती है और इसलिए उसमें टाइम लगता है। तो ये देखिए कढ़ाई रखी हुई है मेरी गैस पे और आटा भी गूंद चुका है, अब मैं पूरियाँ सेकनी शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी आ चुके हैं घी लेके, और इधर मैं उतारने लगी हूँ पूरियाँ। तो पूरियों में तो टाइम लगता ही है कुट्टू की पूरी बनाने में, तो इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी की वजह से दोनों गैस पे कढ़ाई रख दी थी और एक गैस पे इन्हें लगा दिया था सब्जी बनाने के लिए। तो वैसे तो सब्जी वगैरह इन्हें कुछ बनानी नहीं आती है, लेकिन मैं भी साथ में थी तो इसीलिए मैं इन्हें बताती जा रही थी, और इन्होंने व्रत की सब्जी तैयार कर दी। और जैसा कि पंकू ने आपको इशारा कर ही दिया है, हमें जाना है आज मूवी देखने के लिए, तो इसी वजह से थोड़ा और जल्दी जल्दी थी, क्योंकि 8:30 बजे से हमारा मतलब जो मूवी देखने जाने का प्लान था, और दोपहर से ही था प्लान तो, लेकिन दोपहर में व्रत की वजह से हम गए नहीं थे, और शाम को तो ऐसा है खाना पीना तैयार करके और फिर चले जाएंगे, तो फिर हमें मतलब आके ज़्यादा कुछ काम नहीं रहेगा। तो वैसे तो नवरात्रे में मतलब व्रत रख के कहीं भी जाना मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बंकू ने जिद पकड़ रखी थी, क्योंकि निक्की 2-3 दिन पहले मूवी देख के आ गया था, और बंकू को जब से निक्की ने मूवी देखी थी तो बंकू को भी रस लगी हुई थी, तो इस वजह से बंकू की वजह से जाना पड़ा। देखने
कौन सी मूवी है उनको? कश्मीर फाइल्स की लगी हुई है। कितनी बजे की है टिकट? 8:30 की होगी। 10 मिनट में तो यहाँ पर हो चुका है लंच टाइम और हम आ गए थे बाहर क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रेश फ्रेश होना था और फिर बंकू के लिए कुछ खाने के लिए लेना था। तो क्योंकि मेरा और इनका तो व्रत था, बस बंकू के लिए ही खाने के लिए लिया था और ये अपना खाना खा के गए थे और मैंने अपना खाना खाया था आने के बाद। जी बच चुके हैं इस टाइम 12:45 और खाना वाना ये सब तो खाइए तो खा गए थे, तुमको तो वहीं खा लिया था और मैंने भी खाया था। तो अभी मैं खाना खाऊंगी जल्दी से क्योंकि 12 बजने से पहले खाना खाना है मुझे। तो चलिए फिर खाना वाना खा लेती हूँ मैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।